इस वीडियो में हम कंसिस्टेंसी वर्ड के दो मीनिंग, इसके सेंटेंस के साथ एग्जांपल और वीडियो के लास्ट में हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसिस्टेंसी वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है एक रूप, निरंतर, गाढ़ापन और एक सा। कंसिस्टेंसी वर्ड का पहला मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ ऑलवेज बीइंग द सेम, डूइंग थिंग इन द सेम वे, हैविंग द सेम स्टैंडर्ड एक्सेट्रा। हमेशा एक जैसे रहने का गुण, हमेशा चीज़ों को एक ही तरह से करना या हमेशा एक ही समान मान को, स्टैंडर्ड को मानने को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। इस मीनिंग से सेंटेंस में हम इसके दो एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल है दिस अकाउंट सो नो कंसिस्टेंसी, ये खाते कोई निरंतरता नहीं दिखाते हैं। और दूसरा एग्जांपल है ही स्कोर्स गोल विथ रिमार्केबल कंसिस्टेंसी, वह गजब के सिलसिलेवार तरीके से गोल करता है। कंसिस्टेंसी वर्ड का दूसरा मीनिंग होता है हाउ थिक, स्मूथ एक्सेट्रा अ सब्सटेंस इज, कोई पदार्थ कितना गाढ़ा या चिकना आदि होना चाहिए, उसे भी हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। इस मीनिंग से सेंटेंस में हम इसके दो एग्जांपल देखेंगे। बीट द मिक्सचर अंटिल इट हैज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ थिक क्रीम, इस मिश्रण को तब तक फेंटे जब तक इसमें एक समान गाढ़ी क्रीम ना आ जाए। और दूसरा एग्जांपल है सी लव्ड द क्रीमी कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश पेंट, उसे ताज़ा पेंट की मलाईदार स्थिरता बेहद पसंद है। कंसिस्टेंसी वर्ड के कुछ सिनोनिम सिमिलर वर्ड है यूनिफॉर्मिटी समानता, रेगुलरिटी नियम, टेक्सचर बनावट, कॉरेस्पॉन्डेंस समानता। वहीं पे इसके कुछ ऑपोजिट वर्ड है इनकंसिस्टेंसी आर्द्रता, आइसोलेशन अलग रखना, वेरिएशन परिवर्तन, केओस गड़बड़ी। आई होप अब आपको कंसिस्टेंसी वर्ड का मीनिंग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।